कहाँ थी तू? इतने दिन हो गए तुम्हें अब वक्त मिला है हमें फोन करने का? तुम जानती हो ना कि यहाँ पर सिर्फ हमारा जिस्म है, मगर हमारी जान वहाँ पर है जहाँ पर तुम हो। हम तुम्हें ऐसी खबर देंगे जिसे सुनकर तुम खुशी से नाच उठोगी। ऐसा क्या हो गया? वही जिसका ख्वाब तू इतने दिनों से देख रही थी, जिसने तुझे घर से बाहर निकाला था, आज कबीर ने उसे ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला है। नीलू, पर तुम सच बोल रही हो? हाँ, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। आज इतना बड़ा ड्रामा आपकी आंखों के सामने हो गया। आपकी बेटी ने घर से बाहर न सिर्फ पूरे शहर को सर पे उठाया, बल्कि अपने ही शौहर को हमारे सामने न जाने क्या क्या बोलती चली गई, और आप चुपचाप खड़े सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। क्यों काजी साहब? आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए था बेगम? या तो उसे प्यार से समझाते या फिर डांटते, कम से कम जारा को तूफाने बदतमीजी से रोकते तो सही। आपके ख्याल से हमें उसे ये कहना चाहिए था कि हमेशा की तरह जारा बेटी आज भी तुम सही हो, मगर अपना मुंह बंद रखो। इसका मतलब काजी साहब कि जारा जो कुछ भी कह रही थी या फिर कर रही थी वो एकदम सही था? जी, आज जारा ने जो कुछ भी यहाँ कहा उसका एक एक अल्फाज सच्चा है। देखिए, हम आपसे बहस करना ही नहीं चाहते, लेकिन एक बात तो हम जरूर जानते हैं कि आपकी बेटी ना सारे जमाने में निराली है, वो उस राह पे चलती है जिसपे कोई ना चला। लेकिन सुन लीजिए आप, हम जारा को ना इस बार उसकी मनमानी नहीं करने देंगे।